चार धाम यात्रियों के लिए रोजाना नई मुसीबतें पैदा हो रही हैं। हर बार लैंडस्लाइड कई यात्रियों के लिए बाधा बनता जा रहा है। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर पहले तो चलो बारिश की वजह से लैंडस्लाइड हो जाता था, लेकिन अब तो ये पहाड़ी बिना बरसात के ही बिखरना शुरू हो गई है। पहाड़ी से हुए भारी भूस्खलन से ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे टिहरी जिला के तोता घाटी के पास फिर से बंद हो गया, जिससे कि सड़क पर भारी मात्रा में मलबा आ गया, जिसके बाद गाड़ियों की आवाजाही को रोका गया है और सड़कों की दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें नजर आती हैं। पिछले दो दिनों में ये मार्ग काफी मर्तबा बंद हो चुका है। टिहरी जिले में बारिश के चलते पिछले कुछ दिनों से पहाड़ी दरक रही है, जिससे कि लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है। चार धाम यात्रियों को बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, साथ ही आसपास के गांव वाले भी समस्या से जूझते नजर आते हैं। प्रशासन ने सड़क मार्ग को सुचारू करने के लिए सड़क पर जेसीबी मशीनें भी लगवाई हैं, लेकिन पहाड़ी से बार बार भारी भरकम बोल्डर और मलबा गिर रहा है, जिसकी वजह से जेसीबी मशीन को भी बहुत सी दिक्कतें हो रही हैं। इस मार्ग को गाड़ियों की आवाजाही के लिए खोलने में समय भी लग सकता है और इन दिनों इस रास्ते से सफर करना वाकई खतरनाक है, क्योंकि ये खिसकते पहाड़ किसी बड़े हादसे को दावत देते नजर आते हैं। जब से सड़कों का चौड़ीकरण हुआ है, तब से ही ये पहाड़ी कमजोर हो चुकी है, इसलिए जरा सी बारिश से ये पहाड़ी तिनके की तरह बिखरना शुरू हो जाती है। अब तो मानो जेसीबी को भी आदत हो गई है, रोज जाओ ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर जाकर मलबा हटाओ। हर बार ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से प्रभावित रहता है। ऋषिकेश से कृष्ण गोविंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड तक।